अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहन और आप देख रहे हैं द मोहन नेटवर्क। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा आप अपने एंड्रॉइड फोन को एज अ माउस, वायरलेस माउस कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद एक एप्लीकेशन है जो आपने सर्च करनी है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, रिमोट माउस के नाम से एक एप्लीकेशन है, आपने इसको सर्च कर लेना है। देखें इसका आइकन कुछ इस तरह का, मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया, मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जब मैंने इसको ओपन किया तो आगे आपने क्या करना है, तो मैं ओके गो आई गोट इट कर देते हैं। ये सर्चिंग करेगा, लेकिन फिलहाल इसने सर्चिंग नहीं करनी क्योंकि कोई कंप्यूटर को डिटेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपने कुछ कंप्यूटर में सेटिंग करते हैं करनी है जो जो कंप्यूटर में होंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। दोस्तों, कंप्यूटर पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने एक लिंक सर्च करना है जो मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, आपने इसको ओके कर देना है। ये लिंक गौर से देख लें, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखें गेट नाउ का ऑप्शन होगा, गेट नाउ पे आपने जब क्लिक करना है तो आपके सामने ये एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, मैं ऑलरेडी विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं विंडोज़ के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करूँगा जो एक ये देखें ये स्टार्ट हो गई। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया, लेकिन तो मैं दोबारा इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखें डाउनलोड हो गई है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद यस कर देना है आपने, ओके नेक्स्ट। तो दोस्तों, ये कुछ ही देर में इंस्टॉल हो जाएगी एप्लीकेशन। तो दोस्तों, आपने दोबारा एक नेट फ्रेमवर्क वो मांगता है, तो आपने ना इसको दोबारा से ना इसको इंस्टॉल वो भी कर लेना। बहुत ही केबी में उसकी फाइल है, ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करना है हमने, तो ये देखिए आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, माउस इंस्टॉल हो गया आपके पीसी में। तो दोस्तों, आपने अब क्या करना है, आप आपने इसको ये देखिए ये एरर आ रहा है, आपने इसने कैंसिल कर देना है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने इसको ओपन कर लेना है, यस कर देना है। देखिए जी एरर आ रहा है, रिमोट ऑलरेडी रन हो रहा है, तो अब आप अपने मोबाइल पर आ जाएँ। तो दोस्तों, मोबाइल पे आने के बाद आपने दोबारा रिमोट माउस को ऑन कर लेना। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपने ये देखिए ओपन करेंगे तो ऑलरेडी इसने स्कैन कर लिया है मेरे पीसी को, इसकी आईपी एड्रेस भी लिखा है, उसका नेम भी लिखा है। मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए मेरा ये आपको इंस्ट्रक्शन कुछ शो करेगा कि आपने इस तरह इसको चलाना है, आप काइंडली इसको रीड कर लीजिएगा। तो मैंने ऑलरेडी इसको रीड किया हुआ है, तो मैं इसको आपके सामने चला के दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने पीसी की तरफ भी देखे और मोबाइल की तरफ देखे, मैं जब घुमा रहा हूँ इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो ये वर्क कर रहा है बिल्कुल प्रॉपर। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको माय पीसी को ओपन करना चाहता हूँ, वो भी ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ। कैसे करना, मैं यहाँ पर नीचे देखें इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट क्रोम के ओपन करूँगा, देखें ये फाइल ऐसे ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह ही अगर मैं कीबोर्ड यूज़ करना चाहता हूँ तो कीबोर्ड भी यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। मैं सिंपल इस पर क्लिक करके यहाँ पे दोबारा से कुछ भी यूट्यूब भी सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। एक हमारा काम कर रहा है बिल्कुल, कीबोर्ड भी काम करेगा इसके ऊपर। देखिए मैं यहाँ पे गूगल सर्च कर रहा हूँ, ये देखिए बिल्कुल टाइप भी हो रहा है, परफेक्ट है बिल्कुल, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक बात ज़रूरी आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें ये है कि आपका जो है सेम दोनों मोबाइल और लैपटॉप सेम नेटवर्क में होने चाहिए, ठीक है, तब ये वर्क करेगा। तो काइंडली इसको आप सेम नेटवर्क में रखें और ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हर आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो इसी साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।